मटेरियल कितना लगेगा, जब हम ग्राउंड फ्लोर को खड़ा करेंगे, पिलर्स को खड़ा करेंगे, दीवार को खड़ा करेंगे, तो उसमें कितना रॉ मटेरियल हमें लगेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जो मेजरमेंट हम दूसरी चीजों में करते हैं, चाहे मकान बनाने की बात हो। चलिए इससे भी आसान मैं इसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। खाना बनाने का अनुभव आप में से मैक्सिमम लोगों के पास में कभी ना कभी का रहा ही होगा। जब देखिए हम दो लोगों के लिए खाना बनाते हैं तो सामान हमें कितना डालना होता है, 10 लोगों के लिए बनाते हैं तो सामान कितना डालना होता है, या 100 लोगों के लिए बनाते हैं तो सामान कितना डालना होता है, इसका मेजरमेंट जिसके पास में सही होता है उसके खाने में स्वाद ऑटोमेटिक आ जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से देखिए, आपको जब रॉयल्टी करनी है तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके लिए वॉल्यूम कितना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि एक तरफ कम से कम 3.5 लाख का वॉल्यूम चाहिए होता है, दूसरे तरफ कम से कम 1,15,000 का, या दूसरा तीसरा चौथा मिला के कम से कम 1,15,000 का वॉल्यूम हमें करना ही होता है, जब जाके हम रॉयल्टी की पहली पात्रता को हासिल कर पाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अब हमें पेन पेपर लेके बैठ जाना है और ये तय करना है कि 3.5 लाख का वॉल्यूम कितने लोगों के माध्यम से आ सकता है, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग वहां पे क्या होनी चाहिए, जो परचेजिंग वॉल्यूम है परचेस वॉल्यूम हमारा क्या होना चाहिए पर व्यक्ति, पूरे टीम में नंबर ऑफ डायमंड क्लब कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ बायर कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ सेलर कितने होने चाहिए, इन सारी चीजों का मेजरमेंट जब हम करेंगे तो हम आसानी से उस लक्ष्य को हासिल करने की स्थिति में आ जाएंगे। और मैंने लाइफ में यही सीखा है आदरणीय सुरेंद्र सर से कि आप किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं अपने जीवन में तो आप उसको ना कागजों पे पहले अचीव कीजिए, और जैसे ही आप उसको कागज पे अचीव करते हैं तो आपको एक रोड मैप मिल जाता है। जैसे कि 3.5 लाख का हमने एक रोड मैप तैयार किया कि हमारे 200 लोग ऐसे होंगे जो 1,000 की खरीदारी करने वाले होंगे, 1,000 वॉल्यूम की खरीदारी करने वाले होंगे। अब इतने मात्र से ही आप जब आंकड़े लेंगे तो 2 लाख का वॉल्यूम आपका तैयार हो जाएगा। आपके 20 लोग यदि डायमंड क्लब करने वाले आ जाए, 1 लाख और का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, लगभग 3 लाख हो जाएगा। और 10 लोग यदि 5 लोग यदि 10,000 वॉल्यूम डिटेल करने वाले हों तो 50,000 वहां से आ जाएगा। तो ये एक आंकड़ा है जो कि तय कर देगा कि इतने लोगों के माध्यम से ये करवा के आप 3.5 लाख का वॉल्यूम ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इंतजार में रहते हैं कि हमारे नीचे कोई लीडरशिप हो जाएगा और हमारे नीचे कोई ईगल हो जाएगा तो हम रॉयल्टी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप चीजों को जब तक पूरी तरह से नहीं बांटिएगा, डिवाइड एंड रूल के फार्मूले पे जब तक अपने आप को लेके नहीं आइएगा, जब तक आप बड़े परिणाम को हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो भी आपके पास में मौजूदा संसाधन है उसको आप चेक करें कि आपके पास में बायर्स कितने हैं, आपके टीम में सेलर्स कितने हैं, आपके टीम में ज्वाइनिंग करवाने वाले लोग कितने हैं, हर महीने की ज्वाइनिंग आपके टीम में कितनी आती है। अब उसको आंकड़ों में सजाने की कोशिश कीजिए कि पर व्यक्ति कितना हम आगे बढ़े, चाहे वो बात नेटवर्क के स्ट्रेंथ की हो, चाहे वो बाइंग स्ट्रेंथ की हो, चाहे वो रिटेलिंग स्ट्रेंथ की हो, चाहे एवरी मंथ ज्वाइनिंग की हो, चाहे वो मंथली मीटिंग की हो, वीकली मीटिंग की हो, या होम मीटिंग की हो, हम कितना आगे बढ़े कि हम इस टारगेट को अचीव कर लें। और जब वो रोड मैप बन जाए तो पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित कर दीजिए उसके ऊपर काम करने के लिए। आप देखिएगा बड़े से बड़े आंकड़ों को आप अचीव कर लेंगे इस दम पे। लोग अचीव क्यों नहीं कर पाते इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने जो महसूस किया है वो यही है कि जब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे ये तय करते हैं कि हम कब रॉयल्टी बनेंगे, कब हम टेक्निकल बनेंगे, और कब हम पर्ल स्टार पर्ल या इमराल्ड या स्टार इमराल्ड बनेंगे। लेकिन जब हम ये तय कर लेते हैं कि इन 250 लोगों को हमें फॉलो करना है, इन बायर्स को हमें फॉलो करना है, इन रिटेलर्स को हमें फॉलो करना है, तो फिर क्या होता है कि काम रफ्तार पकड़ लेती है और काबिल लोग जितने ज्यादा लोगों से जुड़ते हैं रिजल्ट उतना बेहतर तरीके से आता है। और मैं यहाँ पे यही चीज कहना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में आए हैं, बड़ी कामयाबी चाहिए और तेजी से कामयाबी चाहिए, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, और वो ये बात ये कि जितने ज्यादा लोगों से आप सीधा जुड़ेंगे आपका बिजनेस उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ेगा, जितने कम लोगों से आप जुड़ेंगे उतना ही आपका बिजनेस स्लो गति में चलेगा। यानी कि देखिए हर पहिए को जितनी ताकत मिलेगी वो पहिया उतना ही तेज गति से घूमेगा, हर व्यक्ति को हमारे नेटवर्क में जितना मोटिवेशन मिलेगा, जितना एजुकेशन मिलेगा, जितना एक्साइटमेंट मिलेगा, जितना फॉलोअप मिलेगा, वो व्यक्ति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगा। और हमारे नेटवर्क में यही काम जितना स्लो प्रोसेस में होगा, हमारे नेटवर्क का ग्रोथ उतना ही स्लो प्रोसेस में होगा, और देन रिजल्ट्स भी जो हमें मिलेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हम हमारे रिजल्ट के ऊपर ब्रेक खुद ही दबा देते हैं, और वो ब्रेक कैसे दबाते हैं, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, मिस्टर डिपेंडेंट बन जाते हैं कि हम लीडर लीडर खेलने लग जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि
समय पे कोई काम यदि होता है तो ही ठीक माना जाता है। अदरवाइज यदि समय से पहले या समय से बाद यदि आप किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो वो सही नहीं माना जाता है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके जितने ज्यादा हाथ पांव होंगे आप उतनी तेज गति से आगे बढ़ेंगे, और जितने कम हाथ पांव होंगे आप उतने ही स्लो स्लो चलना शुरू करेंगे। तो जब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के संसाधन हमारे पास में है, जब लोगों से जुड़ने का मौका हमारे पास में है, जब हम टीम से ज्यादा रूट लेवल तक जुड़ेंगे, डेफिनेटली हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि जब हमारे व्यक्तिगत संसाधन कम पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कभी ना कभी एक मौका आता है कि आपके लिस्ट कम पड़ने लग जाती है, कभी ना कभी मौका आता है कि आपके लोग कम पड़ने लग जाते हैं, कभी ना कभी मौका आता है कि दिमाग अपने आप से ये कहने लग जाता है कि अब कहाँ जाए और अब कहाँ करे। तो यहाँ पे सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जब अपना संसाधन कम पड़े तो टीम के संसाधन का लाभ लीजिए। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा सॉफ्टवेयर हम लोगों का अलग है लेकिन हार्डवेयर एक जैसा है, और हार्डवेयर जब हमारे पास एक जैसा है तो तय मानिए जिस तरह से हमारे पास लिस्ट निकली है उसी प्रकार से हमारे लोगों के पास में लिस्ट निकलेगी। जिस प्रकार हमारे रिलेटिव्स हैं उसी प्रकार हमारे डाउनलाइन के भी रिलेटिव्स होंगे, जिस प्रकार हमारे दोस्त हैं उसी प्रकार हमारे लोगों के भी दोस्त होंगे, जिस प्रकार हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी उसी प्रकार हम हमारे डाउनलाइन की भी शुरुआत करवा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम उम्मीद करके बैठ जाते हैं कि जिस प्रकार हमने काम किया उसी प्रकार हमारे लोग काम करें। यहाँ पे थोड़ा सुधार की जरूरत है, हमें ये उम्मीद करने की बजाय कि जिस प्रकार हम काम किए हमारे लोग भी उसी प्रकार काम करें। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार आपने अपने लिस्ट पे काम करी, जिस प्रकार आपने अपने संसाधनों का दोहन किया, उसी प्रकार आप अपने लोगों के संसाधन के दोहन पे भी लग जाइए, फिर आप देखिएगा कि आपकी गति कितनी तेज हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको कुछ तरीके बताने जा रहा हूं कि देखिए, सबसे पहली बात कि आपका लिस्ट कम पड़े तो दूसरों के लिस्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए। यानी दूसरे कौन है? दूसरे वो लोग हैं जो आपके डाउनलाइन में है। अब हम क्या गलती करते हैं, डाउनलाइन को प्रेरित करते हैं कि वो अपने लिस्ट पे काम करे। ना 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 ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस प्रेरणा के साथ आपने अपने लिस्ट पे काम किया है ना, उसी प्रेरणा के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी मोटिवेशन लेवल के साथ आप अपने डाउनलाइन के लिस्ट पे डायरेक्ट काम कीजिए। जी हाँ, उनकी लिस्ट बनवाइए जरूर, लेकिन उनकी लिस्ट उनके भरोसे मत छोड़ दीजिए। उस लिस्ट को आप अपना लिस्ट मान लीजिए, उनके रेफरेंस पे जाके आप वहां काम करने की शुरुआत कर दीजिए। जीवन में कभी भी लोगों की कमी आपको महसूस नहीं होने वाली है यदि इस स्ट्रेटेजी पे आपने फोकस कर लिया तो, वर्क कर लिया तो। तो जब अपना लिस्ट कम पड़ने लगे अपने टीम के लिस्ट पे हमें काम करने की शुरुआत कर देनी है। और आपने बहुत लोगों को देखा होगा ये कहते हुए, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, जो भी सुनने वाले थे उनको तो ज्वाइन करा ही दिए या ज्वाइन कर ही गए, जुड़ ही गए, अब हम किसके पास जाएं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है वो लोग जो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, आपने देखा होगा एक सैनिक को जब वो मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहा होता है, आर्म एमिनेशन उसका खत्म हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो आसपास नजर दौड़ाता है और आसपास किसी ना किसी जो घायल सैनिक होते हैं जिनका हथियार उनसे चल नहीं पा रहा है, जो मृत सैनिक होते हैं जिनका गोला बारूद बचा का बचा रह गया, वो जिंदा जवान क्या करता है, उनके हथियार को उठाता है और फिर उससे गोलाबारी करना शुरू करता है। बिल्कुल इसी तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री में भी हमें काम करना है कि गोला बारूद हर किसी के पास में मौजूद है मेरे भाई, वो यदि नहीं चला पा रहा है ना तो उसके गोला बारूद को हमें चलाना है। और इस माइंडसेट के साथ जिस दिन आप फील्ड में उतर गए, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आज तक का टाइम एक तरफ और अगले चंद महीने का टाइम एक तरफ, आप देखिएगा कि कितनी तेज गति से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। नंबर टू, आपके लोग कम पड़े आप दूसरे लोगों पे काम करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, मैं वही बात रिपीट करना चाहता हूं कि कैसे मैंने अभी कहा कि हमारे यदि सैनिक कम पड़ गए तो फिर क्या हुआ, हमने वहां जो हथियार कम पड़े तो हमने दूसरे सैनिकों का हथियार लेके चलाना शुरू किया। बिल्कुल उसी तरीके से जब आपको लगे कि अब लोगों की संख्या आपके पास में कम हो रही है, उसके पहले ही मैंने किताब पढ़ी थी हु मूव्ड माय चीज, एस्पेंसर जॉनसन उनके राइटर हैं, उसमें वो हमेशा ये बताते हैं कि समस्या के आने से पहले
आप उसका विकल्प तलाश लीजिए। और बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि देखिए, कभी ना कभी ये समस्या हर व्यक्ति के साथ आनी है कि वो अब किसके साथ काम करे, वो अब किसको फॉलो करे। तो जब अपना लिस्ट कम पड़े हमें अपने डाउनलाइन की लिस्ट पे काम करना है, जब अपने लोग कम पड़े हमें डाउनलाइन के लोगों पे काम करने की शुरुआत करनी है। और आपने देखा होगा नेटवर्क इंडस्ट्री में एक बहुत बेहतरीन चीज, हम सारे लोग जब अपने नेटवर्क को देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो एक मजेदार चीज पाएंगे। और वो मजेदार चीज क्या है मालूम, कि हमारा कोई भी अपना हमारे साथ नहीं है, जो दूसरों के अपने थे वही हमारे अपने हो चुके हैं। हमारा कोई, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि हमारा कोई भी अपना अभी हमारे साथ नहीं है, दूसरों के जो अपने थे वो अब हमारे अपने हो गए। कैसे? हम उनसे जुड़े, हम उनसे मिले, कहीं ना कहीं वो हमसे प्रभावित हुए, कहीं ना कहीं हम उनसे प्रभावित हुए, और इसका नतीजा ये रहा कि परस्पर एक दूसरे से हम जुड़े और फिर एक बड़े माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में काम करते हुए हम सारे लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए। आगे ध्यान रखिए, जब आपका एरिया कम पड़ जाए, आपका क्षेत्र कम पड़े, तो दूसरों के क्षेत्र पे काम करना शुरू कीजिए। कहाँ जाएंगे? आपने तो अपने चारों तरफ लोगों से मुलाकात कर ली है, प्लान दिखा लिया, जिसको जुड़ना था वो जुड़ गया, जिसको नहीं जुड़ना था वो नहीं जुड़े। तो ये हमारा एरिया था, मैं जहां रहता हूं वो एरिया मेरा था, लेकिन मेरे जो लोग जहां रहते हैं वो एरिया उनका एरिया है, तो हमें उनके एरिया को भी अपना एरिया मान के काम करने की शुरुआत करनी है। ये हमेशा याद रखिए कि एक बेहतर खोजी जब तक आप इस इंडस्ट्री में नहीं बनेंगे, जब तक आप तेज गति से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि देखिए, आप जब चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्प्रेड हो, आप चाहते हैं कि बड़े लेवल का बिजनेस आपका है, तो आप किसी भी रूबी स्टार, रूबी सफायर स्टार, सफायर डायमंड को नहीं जानते होंगे जिनका बिजनेस उन्हीं के जिले में आज तक रुक गया, जिनका बिजनेस उन्हीं के स्टेट में आज तक रुक गया, जिनका बिजनेस उन्हीं के मोहल्ले में आज तक रुक गया। इन सारे लोगों का बिजनेस फैला, और ये फैलाव क्यों आया? क्योंकि ये घर से बाहर निकल के दूसरों के क्षेत्र पे काम करना शुरू किए, इन्होंने दूसरे के क्षेत्र को अपना क्षेत्र बनाना शुरू किया, दूसरे के लोगों को इन्होंने अपना लोग बनाना शुरू किया, दूसरे के लोगों से ये जुड़ना शुरू किए, दूसरे के लोगों को दूसरे जगहों पे जाके ये उन चीजों की लॉन्चिंग करना शुरू किए जो कि जरूरी होती है हमारे बिजनेस में हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप भी चाहते हैं कि बहुत तेज गति से आपका बिजनेस आगे बढ़े, तो ये हमेशा याद रखिए कि आपको अपने क्षेत्र को विस्तार देना पड़ेगा, और ये विस्तार आप अपने माध्यम से दूसरों के क्षेत्र में जब काम करने की शुरुआत करेंगे, दूसरों के क्षेत्र में जब अपने सिस्टम को लॉन्च करने की शुरुआत करेंगे, दूसरों के क्षेत्रों में जाके मीटिंग करने की शुरुआत करेंगे, दूसरे के क्षेत्र में जाके ज्वाइनिंग निकालने की शुरुआत करेंगे, दूसरे के क्षेत्र में जाके लोगों से मिलने की शुरुआत करेंगे, दूसरे के क्षेत्र में जब जाके लोगों की लिस्ट बनवाने की शुरुआत करेंगे, तब जाके ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप का दूसरा क्षेत्र भी आपका क्षेत्र बनता चला जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा एक चीज याद रखिए, आरसीएम बिजनेस में तीन चीजें मैं मेरे अपने टीम में हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ, आज आपको भी बता रहा हूं। उदारवादी, सुधारवादी और विस्तारवादी, ये तीनों नजरिया हमारा हमेशा होना चाहिए। उदारवादी नजरिया यदि हमारा रहेगा, हमारी अनबन कभी भी किसी अपलाइन और डाउनलाइन से होगी ही नहीं। ये उदारवादी नजरिया ही होता है कि आप चीजों को इग्नोर करने लग जाते हैं, गलत चीजों के ऊपर आपका फोकस नहीं जाता है। मैंने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि 10-10 साल, 15-15 साल पुरानी दुश्मनी को भी भुला नहीं पाते, और रेस्पेक्टेड बीसी सर हमेशा एक बात बोला करते थे कि जहर यदि अपने अंदर रखोगे तो वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन से अलग करना है। तो उदारवादी, विस्तारवादी, क्षेत्र का विकास कीजिए, आप जहां हैं वहां से मल्टीपल एरिया में अपने बिजनेस को ले जाने पे फोकस्ड रहिए, बट ये उम्मीद मत कीजिए कि वहां का व्यक्ति कुछ बड़ा करेगा। बड़ा आप ही को करना है, खड़ा आप ही को करना है, तैयार आप ही को करना है, बढ़ाना आप ही को है। ये हमेशा याद रखिएगा, इस माइंडसेट के साथ जब आप काम करने की शुरुआत करेंगे, डेफिनेटली बहुत बड़े रिजल्ट्स की तरफ आप सारे के सारे लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए अब